सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र भाट ने फोटो ट्वीट करके बताया है कि दो संदिग्ध व्यक्ति उन्हें मारने की फिराक में थे, मगर वक्त रहते पता चल गया और ये दोनों युवक वहां से फरार हो गए। जितेंद्र भाट ने वीडियो भी जारी कर बताया है कि मुंबई के एक होटल में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग थी और मीटिंग खत्म होने के बाद वो जब होटल से बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दो संदिग्ध युवक वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रहे थे और जितेंद्र भाट पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, मगर तभी जितेंद्र भाट के कुछ लोगों को और पत्रकारों को इसकी जानकारी लग गई और ये बात जितेंद्र भाट को बताया गया। मौका मिलते ही ये दोनों संदिग्ध युवक वहां से फरार हो गए हैं। ये पूरा आरोप लगाते हुए जितेंद्र भाट ने क्या कुछ वीडियो जारी करके कहा है आपको सुनाते हैं। मैं आज महाविकास आघाड़ी की बैठक के लिए ट्राइडेंट में गया हुआ था। बैठक खत्म होते ही मैं नीचे आया, पत्रकारों को संबोधित कर रहा था। फिर बाद में, मेरी आदत है, मैं पत्रकारों से गपशप करता हूँ, सब अपनी दोस्ती आ रही है। तो उतने में से एक लड़की आई, वहाँ पे पत्रकार ही थी बेचारी, वो मेरे को बोली बाय। तो मेरे को लगा ये मेरे को बाय क्यों बोल रही है। तो बोली जाओ कि पुलिस से बात करो। तो मैं आके गाड़ी में बैठ गया और मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ चले गया। तो गाड़ी में मुझे कुछ बातें पता चली। उसमें से एक ये था कि मैं जब पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहा था, तब एक पत्रकार के पीछे दो लड़के और एक लड़का, यानी दो लड़के उसके पीछे खड़े थे और एक लड़का था, ये किसी से वीडियो में बात कर रहे थे, अभी अटैक करे क्या। वो सुन के उसने मेरे पीए को फोन लगाया। मेरे पीए ने जैसे ही मालूम पड़ा वैसे जरा हलचल की, तो उतने में वो दोनों भाग गए और तीसरा जो था वो भागते भागते लिफ्ट के तरफ गया और बच्चों ने देखा कि उसने 19वां बटन दबाया और 19वें मंजिल पे चला गया। बच्चे ने भी डर के मुझे बताया नहीं सब कुछ, पर बाद में जब मैं सबको इकट्ठा किया तब उन्होंने मेरे को ये कहानी बताई। और तकदीर अच्छी है कि वो दोनों के फोटोग्राफ कैद हो गए, दोनों को सभी ने पहचान लिया है, खास करके जिस पत्रकार के पीछे वो खड़े हैं वो पत्रकार ने ही पहचान लिया है। अगर पुलिस चाहेगी तो पूरा मामला सामने आएगा, क्योंकि वो इस एरिया ही सेंसिटिव है और हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो कौन क्या है सब बिल्कुल पता चलेगा। और दोनों मराठी में बात कर रहे थे और तो मुझे कुछ मालूमत नहीं है, लेकिन दोनों को फोटो मिल गए हैं। अगर ट्राइडेंट में गया होगा तो ट्राइडेंट के कैमरा में भी कैद होंगे और आजू बाजू में भी सब कैमरे ही लगे हुए हैं। ट्राइडेंट के सामने कैमरे लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ इंडियन एक्सप्रेस की पुरानी बिल्डिंग है। पुलिस ट्वीट किया है, उस ट्वीट को ही कंप्लेंट अगर पुलिस समझ ले तो अच्छी कार्रवाई हो सकती है, बाकी ठीक है। आदत सी हो गई अब इन खतरों से खेलने की।